जंगल में दिवाली का त्योहार आने वाला था। चारों तरफ खुशी उल्लास का माहौल था। पक्षी अपने घरों को अच्छे से सजाने में लगे थे। इस बार टुनटुनी चिड़िया ने ठान लिया कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर दिवाली का जश्न मनाएगी। टुनटुनी बहुत चंचल और खुश मिजाज चिड़िया थी। उसने अपने घोंसले को रंग बिरंगे कागज और दियों से सजाने की योजना बनाई। अगर मैं अपने घोंसले को खूबसूरत बनाऊंगी तो मेरे सभी दोस्त दिवाली मनाने जरूर आएंगे। फिर टुनटुनी ने अपने दोस्तों को बुलाने का काम शुरू किया। उसने तोता, कबूतर और बहुत से पक्षियों को आमंत्रित किया। सबने खुशी खुशी आने का वादा किया, लेकिन एक समस्या थी। कालू कौआ जो हमेशा किसी न किसी तरह से टुनटुनी की खुशियों में खलल डालता था, इस बार भी वो पीछे नहीं रहने वाला था। कालू कौआ टुनटुनी की योजना को सुनकर चिढ़ गया। टुनटुनी को इस बार सबक सिखाना पड़ेगा, मैं उसकी दिवाली का मजा खराब कर दूंगा। फिर उसने एक योजना बनाई। कालू कौए ने सभी पक्षियों को अपने पास बुलाया और कहा, टुनटुनी के साथ मिलकर जश्न मनाने को कोई मतलब नहीं। वो हमेशा खुद को सबसे अच्छा साबित करने की कोशिश करती है, हम क्यों उसकी मदद करें। कुछ पक्षी कालू कौए की बातों में आ गई और टुनटुनी के दिवाली के जश्न में आने से मना कर दिया। लेकिन कबूतर और तोता, जो टुनटुनी के अच्छे दोस्त थे, उन्होंने कहा, हम टुनटुनी के साथ दिवाली मनाएंगे, वो हमारे दोस्त थे और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वही टुनटुनी ने अपने जश्न के लिए विशेष तैयारियां की थी। उसने मिठाइयां बनाई, रंगोली सजाई और एक बड़ा दीप जलाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि अगर वो एक बड़ा दीप जलाएगी तो सभी पक्षियों का ध्यान उसकी ओर खींच लेगी। जैसे जैसे दिवाली का दिन नजदीक आ रहा था, टुनटुनी ने अपने जश्न के लिए और भी अधिक मेहनत की। उसने अपने घोंसले को दियों से सजाया और अपने दोस्तों को फिर से बुलाने का फैसला किया। उसने संदेश लिखा और उसने कबूतर तोते के माध्यम से सभी पक्षियों तक पहुंचा दिया। दिवाली का दिन आ गया। टुनटुनी ने अपने घोंसले को दीपों से भर दिया। सब कुछ तैयार था। उसने अपने दोस्तों का इंतजार करना शुरू किया। कबूतर और तोता सबसे पहले पहुंचे। तुम्हारा घोंसला तो बहुत खूबसूरत है। ये दिवाली का जश्न सच में बहुत खास होने वाला है टुनटुनी। धन्यवाद दोस्तों, चलो अब हम और भी दोस्तों को बुलाते हैं। लेकिन कालू कौआ, जो दूर से सब देख रहा था, वो जलन और गुस्से से भरा हुआ था। उसने सभी पक्षियों के पास जाकर कहा, अगर तुम सब टुनटुनी के जश्न में गए तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। लेकिन कबूतर और तोता ने कालू कौए की बातों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने टुनटुनी के साथ मिलकर जश्न मनाने का फैसला किया। सभी पक्षियों ने एक एक करके टुनटुनी के पास आकर जश्न में शामिल होने लगे। सभी पक्षी एकजुट होकर टुनटुनी के साथ दिवाली मनाने लगे। उन्होंने मिठाइयाँ खाई, दिए जलाए। लेकिन तभी कालू कौआ टुनटुनी के घर के पास आया। तुम सब क्यों टुनटुनी के जश्न में आए हो? वो तुम्हें धोखा दे रही है। लेकिन कबूतर और तोता ने एकजुट होकर कालू कौए का सामना किया। टुनटुनी हमारी दोस्त है, हम उसे जानते हैं और वो हमें कभी धोखा नहीं देगी। कालू, तुम्हारी चालाकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपनी दोस्ती को बनाए रखेंगे। कालू, तुम अपनी चालाकियों से हमें नहीं रोक सकते। हम सब मिलकर इस दिवाली को एक साथ मनाएंगे। कालू कौवे को सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने हार नहीं मानी। उसने अपने कौवे दोस्तों को बुलाकर कहा, सुनो दोस्तों, हमें टुनटुनी के जश्न को बर्बाद करने के लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा। सभी कौवे उसकी बात से सहमत हो गए और उन्होंने टुनटुनी के जश्न को खत्म करने का फैसला किया। जब सभी पक्षी जश्न में व्यस्त थे, तब कालू कौवे उसके दोस्तों ने अचानक आकर शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने मिठाइयों को बिखेर दिया और दियों को बुझा दिया। सभी पक्षी डर गए और उड़कर इधर उधर भागने लगे। लेकिन टुनटुनी ने हिम्मत नहीं हारी। डरो मत दोस्तों, हम मिलकर इस समस्या का सामना करेंगे। हमारी दोस्ती सबसे बड़ी है और हम मिलकर कालू कौए को सबक सिखाएंगे। सभी पक्षियों ने टुनटुनी की बात को सुना और एकजुट होकर कालू कौए का सामना करने का निश्चय किया। कालू, तुम हमारी दोस्ती को तोड़ नहीं सकते। हम सब मिलकर तुम्हारी चालाकियों का सामना करेंगे। तुम्हारी सारी चालें हमें नहीं रोक सकती। हम सब मिलकर इस दिवाली को मनाएंगे।
सब पक्षियों को एक साथ देखकर कालू कौवा डर गया और वहाँ से भाग गया। फिर टुनटुनी उसके दोस्तों ने फिर से जश्न मनाना शुरू किया। उन्होंने मिलकर मिठाइयाँ बनाई, दीप जलाए और गीत गाए। हमारी मित्रता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज की दिवाली हम सबके लिए बहुत खास है। इस दिवाली ने सभी पक्षियों को एक नई सीख दी। उन्होंने समझा कि मित्रता और एकता ही असली खुशी का स्रोत है। कालू कौवे ने भी महसूस किया कि अकेले रहने से उसे कोई खुशी नहीं मिलती। जैसे ही रात हुई, टुनटुनी उसके दोस्तों ने मिलकर आसमान में दिए जलाए और एक नई कहानी लिखी, मित्रता की, खुशी की और एकता की। कालू कौवे ने अपनी गलतियों से सीख ली और उसने भी अपने व्यवहार में बदलाव लाने का निर्णय लिया। टुनटुनी ने सभी को अपनी मित्रता का हाथ बढ़ाया और कहा, दोस्तों आप सभी को हैप्पी दिवाली। इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया ने दिवाली का त्योहार न केवल अपने जश्न के साथ मनाया बल्कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर एकता और मित्रता का संदेश भी फैलाया। हिमाचल नाम के गांव में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपनी माँ टूनी और पिता टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता मजदूरी का काम करते थे। बड़ी मुश्किलों से उनके घर का खर्चा जैसे तैसे निकाल पाते थे। कुछ ही दिनों में दिवाली का त्योहार आने वाला था और इधर टुनटुनी चिड़िया के माता पिताजी को कोई काम नहीं मिल पा रहा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ दिवाली आने वाली है तो हमारे घर में मिठाई पटाखे लाएंगे ना पिताजी। मेरी सारी सहेलियाँ नए खिलौने पटाखे लाने वाली हैं। हम दिए भी जलाएंगे और हम अपने छोटे से आंगन में रंगोली भी बनाएंगे ना माँ। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को अपने सपने बता रही थी। उसकी बातें सुन टुनी चिड़िया मनी मन बहुत दुखी हो जाती है और टुनटुनी से कहती है, बेटा तुम्हारे पिताजी और मैं मजदूरी करके घर चलाते हैं और हमारे पास कुछ दिनों से कुछ भी काम नहीं है। हमारी किस्मत अमीर पक्षियों की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहीं कुछ बन पाए तो जरूर लेकर आएंगे। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ की बातें सुनकर नाराज हो जाती है और घर के पास एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। टुनटुनी चिड़िया को नाराज देख टुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब टुनी चिड़िया अपने घर के काम में लग जाती है। दिवाली आने में कुछ ही दिन बाकी थे। उसी में टुनटुनी चिड़िया उदास होकर एक नदी के किनारे पर बैठी थी। उसी समय दो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के पास खेलते हुए आई। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? तुम चाहो तो हमारे साथ खेल सकती हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। मैं गरीब परिवार से हूँ और तुम तो अमीर परिवार से लगती हो। तुम्हारे माँ पिताजी तुम्हें मेरे साथ खेलने पर डांटेंगे। वो हमें क्यों डांटेंगे? तुम गरीब हो इसलिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। गरीब पक्षी भी चाहे तो मेहनत करके पैसा कमाकर अमीर हो सकता है। पिंकी चिड़िया और बुलबुल टुनटुनी चिड़िया से दोस्ती कर लेती है। खेल खेलने के बाद बुलबुल टुनटुनी चिड़िया को अपने घर दिवाली पर आने के लिए कहती है। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और घर पहुंचते ही टुनटुनी चिड़िया माँ को बुलबुल के बारे में बताती है। माँ मुझे बुलबुल ने अपने घर दिवाली के लिए बुलाया है तो मैं जा सकती हूँ ना? बेटा हम गरीब पक्षी हैं। बुलबुल की माँ और पिताजी को तुम्हारा वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। टुनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को समझाती है लेकिन टुनटुनी चिड़िया माँ के पास जिद करते हुए कहती है, बुलबुल ने बुलाया है तो मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया की जिद के कारण टुनी चिड़िया उससे कहती है, ठीक है चली जाना दिवाली के दिन। टुनटुनी चिड़िया अच्छे से नहा धोकर बुलबुल के घर पहुंचती है। बुलबुल भी टुनटुनी चिड़िया को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी बुलबुल अपनी माँ से कहती है, माँ सुनो ना, माँ ये मेरी सहेली टुनटुनी चिड़िया है। बुलबुल की माँ सुंदरी कौवी और पिताजी कड़कनाथ से टुनटुनी चिड़िया को देख जरा भी खुश नहीं थे। टुनटुनी चिड़िया की गरीबी उसके चेहरे से झलक रही थी और बुलबुल किसी भी गरीब घर के पक्षी से दोस्ती करे ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। बुलबुल के पिताजी बुलबुल को एक साइड में लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं, बुलबुल तुम्हें कितनी बार बताया है कि गरीब घर के पक्षियों से दोस्ती मत करो। तुम इन गरीब पक्षियों को नहीं जानती बेटी। पहले अमीर पक्षी से दोस्ती करते हैं और उसके बाद में उनके घर चोरी करते हैं।
बुलबुल के पिताजी की बातें बाहर खड़ी टुनटुनी चिड़िया ने सुन ली। उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगी और वो रोते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। दूर खड़ी रहकर आसमान में फूटते पटाखे देखने लगती है। इधर बुलबुल भी कड़कनाथ सेठ के सामने कुछ नहीं बोल पाती और बाहर आकर पटाखे फोड़ने लगती है। टुनटुनी चिड़िया दूर खड़ी रहकर बुलबुल को देख रही थी और तभी बाहर से एक रॉकेट आकर बुलबुल के पीछे गिर जाता है। बुलबुल उसके पास ही खड़ी थी। टुनटुनी चिड़िया ने झट से बुलबुल को वहाँ से हटाया। बुलबुल को वहाँ से हटाते ही जोर जोर से पटाखे फूटने की आवाजें हुई। आवाज सुनकर सभी पक्षी बाहर आ जाते हैं। पटाखे फूटने से टुनटुनी चिड़िया के परों में और चेहरे पर चोट आई थी। ये देख बुलबुल टुनटुनी चिड़िया से कुछ बोलती, तभी बुलबुल के पिता बुलबुल से कहते हैं, बुलबुल मेरी बच्ची, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? पिताजी, आज अगर टुनटुनी चिड़िया ना होती तो मुझे जरूर कुछ ना कुछ होता। उसी ने मेरी जान बचाई है। बुलबुल के पिताजी टुनटुनी चिड़िया की ओर देखते हैं और उससे कहते हैं, टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुमसे इतना भला बुरा कहा और फिर भी तुमने बुलबुल की जान बचाई। बुलबुल मेरी दोस्त है, उसे बचाना मेरा फर्ज है। तभी कड़कनाथ सेठ की नज़र टुनटुनी चिड़िया के जख्मों पर जाती है। बेटी, तुम्हें कितनी चोट आई है? चलो अंदर चलो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। बेटी टुनटुनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। कड़कनाथ सेठ और सुंदरी कौवी को अपनी सोच और गलती का पछतावा होता है। अब बुलबुल की माँ और पिताजी मिलकर टुनटुनी चिड़िया को बहुत सारी मिठाइयाँ और नए खिलौने दिलवाते हैं। टुनटुनी चिड़िया उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और घर चली जाती है। घर जाकर देखती है तो उसकी माँ उदास बैठी कुछ सोच रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ पिताजी देखो तो, कड़कनाथ चाचा जी ने हमें कितनी सारी मिठाइयाँ और नए खिलौने दिलवाए हैं। टुनी चिड़िया अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत खुश हो जाती है और टुनी चिड़िया बुलबुल के घर जाकर बुलबुल की माँ और पिताजी को धन्यवाद करती है। फिर कड़कनाथ सेठ उन सबको मिठाई और पटाखे देता है। फिर सभी बुलबुल के परिवार के साथ मिलकर दिवाली मनाते हैं। कड़कनाथ सेठ अब टुनी चिड़िया और टुन्नू को अपनी फैक्ट्री में ही अच्छी तनख्वाह देकर काम भी दे देता है। इसलिए अब टुन्नू चिड़ा और टुनी चिड़िया भी बहुत खुश थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिंदगी में अगर हम हमेशा ईमानदारी से काम करते रहे तो हमारी किस्मत हमें उसका फल आज नहीं तो कल जरूर